हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम करेंगे डिस्कस ऑथर्स एंड द इंट्रोडक्शन। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ऑथर्स किसके हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था TGT और PGT का सिलेबस, तो आज उसी से रिलेटेड जो भी ऑथर्स हमने उसमें बताए थे, आज उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आप देख भी सकते हैं यहाँ जो हमारा हेडलाइंस है, जो हमारा टाइटल है, ऑथर्स एंड दियर इंट्रोडक्शन। तो आइए बिना देर करे फटाफट शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे सारे ऑथर्स जो हैं TGT और PGT के लिए। तो ये होगा फ्रेंड्स हमारा विलियम शेक्सपियर। जो विलियम शेक्सपियर के फादर्स नेम है वो जॉन शेक्सपियर होगा, मदर्स नेम मैरी आर्डन होगा, और स्पाउस जो थी, इनकी पत्नी जो थी, वो अन्य हाथवी थी। और बताना चाहेंगे कि वो इनसे 8 साल बड़ी थी। डेट ऑफ बर्थ होगी इनकी 23 अप्रैल 1564। और फ्रेंड्स बर्थ पैलेस जो होगा इनका, एक बहुत ही जो कन्फ्यूजन होता है इसमें कि कहीं ऑन दे देते हैं और कहीं अपॉन दे देते हैं। तो यदि अपॉन देते हैं तो फिर तो आपको अपॉन करना ही करना है, और यदि अपॉन और एवॉन दोनों देते हैं तब भी आपको अपॉन करना है, और यदि किसी कंडीशन में हमारा अपॉन नहीं देते हैं तो फिर आपको ऑन करना है। तो इसमें ज़्यादा वो, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है एक रिवर का नाम है, ये जो स्टार्टफोर्ड अपॉन अवॉन है, ये जो है एक हमारी रिवर का नाम है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ के बाद में डेट ऑफ डेथ होगी, तो वो जो माना जाता है कि जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी सेम उसी दिन जो है इनकी मृत्यु भी हुई थी, तो यानी कि 23 अप्रैल 1616। नेक्स्ट होगा हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंड्स होगा हमारा जॉन वर्ड्सवर्थ फादर्स नेम, और माता का नेम होगा एन्ने कुकसॉन, और इनकी पत्नी का नाम था मैरी हचिनसन, और जो इनका डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 अप्रैल 1770। एंड जो इनका बर्थ पैलेस है फ्रेंड्स वो है कुकर माउथ यूनाइटेड किंगडम, और जो इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 23 अप्रैल 1850 में। तो हमारे नेक्स्ट होंगे नंबर 3। तो नंबर 3 को बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि अभी भी आपने कॉपी पेन नहीं उठाए तो वीडियो को पॉज कर दें और कॉपी पेन उठा कर इसको नोट करते हुए चलें, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी जानकारी आपको इकट्ठी शायद नहीं मिलेगी बार बार, और स्टार्टिंग में हमें इतनी अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो हम फिर जो एक हमारा प्लेटफॉर्म जो है तैयार हो जाएगा। तो PV शैले होंगे, और इनके जो फादर्स नेम वो हैं सर, तो इनके फादर्स नेम था फ्रेंड्स सर टिमोथी शैले, मदर्स नेम था एलिजाबेथ पिलफोर्ड, और जो इनकी वाइफ थी जो इनकी, तो वो थी हैरियट वेस्टब्रुक, और जिनका डेट ऑफ बर्थ वो है अगस्त 4 1792, और जो इनका बर्थ पैलेस है वो है होरश्याम यूनाइटेड किंगडम, और इनकी मृत्यु जो हुई थी जुलाई 8 1822 में हुई थी। चार्ल्स लैम्ब, तो ये तो आपको सबको पता ही होगा क्योंकि अभी अभी LTGATE का फॉर्म भरा है हमने और एग्ज़ाम दिया है, माफ़ कीजिए। तो चार्ल्स लैम्ब फादर्स नेम जॉन लैम्ब, और एलिजाबेथ फील्ड इनकी मदर्स नेम था, और इनकी मैरिज हुई थी बिकॉज ये बैचलर थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 1775, और इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड में जो इनका बर्थ पैलेस है। 27 दिसंबर 1834 को इनकी जो मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन कीट्स, तो फादर्स नेम थॉमस कीट्स माफ़ कीजिएगा, और फ्रांसिस जेनिंग, और ये भी नॉट मैरिड थे। 31 अक्टूबर 1795 को इनका बर्थ हुआ था, और मोगरेट सिटी ऑफ लंदन यूनाइटेड किंगडम से ये भी जो है बिलोंग करते थे। उसके बाद में फ्रेंड्स इनकी डेट ऑफ डेथ जो है वो है February 23, 1821। तो दोस्तों यदि हम इस तरह से करेंगे तो शायद वीडियो जो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि मैं वीडियो को केवल स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप जो है उसको मैं केवल टिक कर दूँगा, और कुछ सेकंड के लिए हम जो है वीडियो को अपनी रोकेंगे। तो उस हम 6-7 हमारा चार्ल्स डिकेंस,
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, चार्ल्स डिकेंस का पूरा आप, उसके बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनका फादर्स नेम, इनकी मदर्स नेम और इनकी जो स्पाउस थी, वाइफ थी, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, और ये इनकी डेट ऑफ डेथ, थॉमस हार्डी। तो थॉमस हार्डी, फादर्स नेम भी थॉमस हार्डी था, और ये देख सकते हैं आप इनकी मदर्स नेम, और ये इनका है डेट ऑफ डेथ। उसके बाद में फ्रेंड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, फादर्स नेम थॉमस अर्नोल्ड, और मैरी पेनरोज, फ्रांसिस लूसी इनकी वाइफ का नाम था, डेट ऑफ बर्थ इनकी December 24, 1822, और लंदन, क्योंकि यूनाइटेड किंग, हम केवल अभी जो हम इंग्लिश राइटर्स की बात कर रहे हैं, तो इनका जो वो है, वो डेट ऑफ डेथ April 15, 1808 है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा T.S. Eliot, और T.S. Eliot जो है हमारा हेनरी वारे इलियट जो इनके फादर्स नेम था, और कैरलॉट शैम्प स्टर्न्स इनकी माता का नाम था, और इनकी पत्नी दो बार मैरिड की थी, September 26, 1888, और सेंट लुइस मसूरी कह सकते हैं हम, यूनाइटेड स्टेट्स में इनका जो बर्थ प्लेस है, और June 4, 1965 को फ्रेंड्स जो है ये इस दुनिया से चले गए थे। बात करते हैं इंडियन ऑथर्स की, तो इंडियन ऑथर्स में सबसे पहले मुल्कराज आनंद हैं, इनका फादर्स नेम लालचंद है, और ईश्वर कौर इनकी माता का नाम था, और कैथरीन वैन ग्लेडर एंड शरीन वजीबदार इनकी वाइफ थी, December 12, 1905 को इनका बर्थ हुआ था, और इनका बर्थ प्लेस है पेशावर पाकिस्तान, और इनकी जो डेट ऑफ डेथ वो है September 28, 2004। कमला दास, तो फादर्स नेम था V.M. नायर दास, और माता का नाम था बालामणि अम्मा, और इनकी वाइफ थी कमला माधवा दास, और March 31, 1934 को इनका जो बर्थ हुआ था, और पन्नायरकुलम फ्रेंड्स इनका जो है बर्थ प्लेस है, और 31 मार्च 2009 जो है ये इनकी डेट ऑफ डेथ। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स हम नजीम एजकिल्स की, तो मोजिस एजकिल्स इनके फादर्स का नेम था, और मदर्स का नेम जो है इनकी मेंशन नहीं है, और डेजी जैकब्स इनकी वाइफ थी, और उसके बाद में December 16, 1924 इनका डेट ऑफ, और मुंबई इंडिया, और January 9, 2004 में जो इनका, तो उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स अमेरिकन राइटर्स की, और चार हमारे जो है अमेरिकन राइटर्स हैं, तो वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर। तो वारी वारी से देख लेते हैं, वॉल्ट विटमैन का, वॉल्टर विटमैन सर इनके फादर्स का नेम था, लूसिया वैन वाल्सर विटमैन इनकी मदर्स नेम थी, मैरिज इनकी वाइफ नॉट अवेलेबल है, मतलब मैरिड नहीं की थी इन्होंने भी, और 31 मई 1819 को इनका डेट ऑफ बर्थ है। वेस्ट हिल्स हंटिंगटन लंदन लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क USA में जो इनका बर्थ हुआ था, और इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है March 26, 1892। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट इनके फादर्स नेम थे, और इजाबेल मोडी जो है इनकी मदर्स नेम था, और इलिनोर मैरियम वाइट इनकी जो वाइफ थी, March 26, 1874 में इनका जो बर्थ हुआ था, ये इनका बर्थ पहले से फ्रेंड्स
सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स, और 29 जनवरी 1963 को ये इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स क्लारेंस एडमंड, देखिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे आते हैं और क्लारेंस एडमंड्स इनके फादर का नाम था, और ग्रेस शाहल इनकी मदर्स, और एलिजाबेथ हेडली रिचर्डसन, और पोलाइन प्रीफायर, और मार्था गेलहॉर्न, और मैरी वेल्स हेमिंग्वे। तो इन्होंने जो है चार शादियां की थी फ्रेंड्स, और चारों इनकी वाइफ्स का नाम मेंशन है। जुलाई 21, 1899 को इनका बर्थ हुआ था, और ओक पार्क इलिनॉइज यूनाइटेड स्टेट्स इनका बर्थ पैलेस है। जुलाई 2, 1961 को जो है ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1961 में जुलाई में हुई थी। तो विलियम फोकनर और मैरी कथबर्ट फोकनर फादर्स नेम, मॉड बल्टर मदर्स नेम, और एस्टले ओल्डहम इनका जो है वाइफ नेम था, और सितंबर 25, 1897 में इनका जो है बर्थ हुआ था। न्यू एल्बनी मिसिसिपी यूएसए जो है इनका बर्थ पैलेस है, और फ्रेंड्स इनका जो डेट ऑफ डेथ है वो है जुलाई 6, 1962। एक नज़र यहाँ डाल लेते हैं, देखिए एलिजाबेथन एज जो है विलियम शेक्सपियर का जो एज है उसको एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है, या रेनेसांस के नाम से भी जो उसको जाना जाता है। और बिलेटेड एलिजाबेथन या प्यूरिटन एज जो है वो जॉन मिल्टन के काल को जो पीरियड को जाना जाता है, और रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम, पी बी शेले और जॉन कीट्स हमारे इंक्लूड्स हैं। विक्टोरियन एज में आ जाते हैं हमारे चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, मैथ्यू अर्नोल्ड और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और मॉडर्न एज में फ्रेंड्स टी एस एलियट एंड जॉन गैल्सोवर्थ थी। तो ये हमारे थे 17 राइटर्स, अभी 2 राइटर्स हमारे शेष है टीजीटी के, अभी उनका भी जो हम एनालाइज देख लेते हैं। तो फ्रेंड जॉन मिल्टन को देख लेते हैं। जॉन मिल्टन जो है जिनका जन्म जो है दिसंबर 1608 में हुआ था, 9 दिसंबर को, और पैलेस ऑफ बर्थ जो है इनका ब्रीड स्ट्रीट लंदन है, और नवंबर 8, 1674 थर्सडे को जो है ये इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनको जो दफनाया गया था सेंट ग्लाइस क्रिपल गेट नाम की जो स्थान है वहाँ पर इनको दफनाया गया था। जॉन मिल्टन जो इनके फादर थे तो वो कौन थे, वो फाइनेंशियल सक्सेस एज ए स्क्रीनर वर्क फ्रॉम ए हाउस ऑन द ब्रीड स्ट्रीट वेयर द मरमेड टावर्न वाज लोकेटेड। तो ये इनके फादर्स का जो कुल मिलाकर बात जो है, ये इनके फादर्स का जो है पूरा बायोग्राफ है। तो फादर्स का नाम जो था इनका कुल मिलाकर जॉन मिल्टन था, और इनकी मदर्स का नाम था सारा जेफरी, और इनकी वाइफ थी, 3 शादी इन्होंने की थी, पहली थी मैरी पावेल, दूसरी कैथरीन वुडकॉफ, एलिजाबेथ मिंसल 13 ईयर्स यंगर, जो इनकी तीसरी वाइफ थी एलिजाबेथ मिंसुल वो जो है इनसे 30 साल छोटी थी, और ये इनके डॉटर्स हैं अन्ने मैरी एंड डेब्रो। नेक्स्ट चलते हैं गैल्सोवर्थी का बात करते हैं। तो जॉन गैल्सोवर्थी जो बर्थ था इनका 14 अगस्त 1867 किंगस्टन अपॉन थेम्स सुरे इंग्लैंड यूके में हुआ था, और इनकी डेथ तो थी 31 जनवरी 1933 एज 65 में इनकी मृत्यु जो है हो गई थी, लंदन और इंग्लैंड यूके में जो है इनको मृत्यु हुई थी। पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स जॉन गैल्सोवर्थ थी, इनके फादर्स का नाम था, और ब्लेंसी बेली जो है इनकी माता का नाम था। एजुकेशन जो इन्होंने गेन की थी वो की थी हैरो एंड न्यू कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और इनकी जो स्पाइस थी यानी जो इनकी पत्नी थी वो थी एडा नेमिसिस पर्सन, और कूपर उनका पूरा नाम था 1905। ऑक्यूपेशंस 20th century इंग्लिश पोइट नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट थे, और टीजीटी 9 में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आ चुका है।
तो ये छोटी सी बायोग्राफी थी हमारे सभी TET PGT राइटर्स की। अगर ये जानकारी पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।